नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड, जिसको हम एबी कैपिटल के नाम से जानते हैं। इस स्टॉक 222 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में आज इसने 2.84% का अप मूव दिया है। मार्केट कैप हो गई है इसकी 57,800 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 69% है। बुक वैल्यू 103 है। डिविडेंड ये स्टॉक देते नहीं है एंड फेस वैल्यू 10 है। फंडामेंटल वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए शॉर्ट में देखें तो स्टॉक 50 और 200 ई में दोनों से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। पी रेशियो की बात करें तो 5 ईयर्स के टाइम स्पैम पे मीडियम से छोटू सी ऊपर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड यहाँ पे 1 मंथ के टाइम स्पैम पे देखें तो भी मीडियम से छोटू सी ऊपर है, तो इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है, पी ठीक है। अभी के लिए ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 100 पे इंटैक्ट है एंड सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज हुई है। एंड अभी का अपडेट नहीं हुआ है, अभी का आज रिजल्ट आया है इसका। एंड अभी भी इसकी जो सेल्स है, जो रेवेन्यू है, वो काफी अच्छे तरीके से इंक्रीज हुआ है। एंड वैसे भी इसका पैटर्न है, जून में कम होता है, फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता है, दिसंबर में बढ़ता है, फिर मार्च में सबसे ज्यादा आता है, फिर यही इसका पैटर्न चलता आ रहा है। एंड इस बार भी इसने यही पैटर्न को फॉलो किया है, ठीक है। तो मैंने इसका रिजल्ट देखा है एंड कोई इसके रिजल्ट में हिडन चीज नहीं है जो कि हमें डिटेल में जाके यहाँ पे चेक करनी पड़े। तो मैं आपको थोड़ा सा इजी तरीके से यहीं पे समझाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है यहाँ पे काफी अच्छा जंप देखा गया है सेल्स में। एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपैरिजन किया जाए तो भी काफी अच्छा जंप देखा गया है, तो एक अच्छी बात है। यहाँ पे अब हम देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे एक्सपेंसेस में भी जंप देखा गया है, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से भी जंप देखा गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है हमारा, उसमें भी यहाँ पे जंप देखा गया, बहुत ज्यादा नहीं बट काफी अच्छा जंप देखा गया है ऑफकोर्स। एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से भी जंप देखा गया है। यहाँ पे अदर इनकम की बात करें तो अदर इनकम इस बार 100 पॉइंट्स के आसपास ज्यादा आई है। बेसिकली फिगर्स करोड़ में होती हैं, तो मतलब यहाँ पे अदर इनकम काफी ज्यादा आई है, काफी जंप देखा गया है प्रीवियस ईयर के, सॉरी प्रीवियस क्वार्टर से कंपैरिजन में। एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से देखा जाए तो लगभग लगभग 70 के आसपास पॉइंट्स का जंप है यहाँ पे। तो थोड़ा सा इससे ऑफकोर्स फर्क पड़ गया हमारे, पर इतना भी कोई फर्क नहीं पड़ा कि इसी की वजह से रिजल्ट अच्छा आया हो। तो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो उसमें भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप देखा गया है, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से भी दुगना लगभग जंप देखा गया है यहाँ पे। एंड नेट प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत अच्छा जंप देखा गया है, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपैरिजन किया जाए तो अगेन 2 गुना का जंप देखा गया है। अर्निंग पर शेयर जो है, जो लास्ट क्वार्टर में था वो 2.83 था, इस बार है 4.79। एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में था 2.52, इस बार है 4.79, तो बहुत अच्छा जंप है। देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, बट ईयर ऑन ईयर इसका रिजल्ट कुछ खास अच्छा नहीं आया है। यहाँ पे देखें, सेल्स काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दी है हमें, एक्सपेंसेस भी यहाँ पे बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी जंप देखने को मिला है हमें। एंड यहाँ पे ओपीएम की परसेंटेज भी बढ़ने को मिली है। अदर इनकम जो है उसमें भी हमें जंप देखा गया है। अब यहाँ पे देखिए, इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट बहुत ज्यादा आ गया है यहाँ पे। पहले जो था इंटरेस्ट इतना ज्यादा नहीं था पिछले क्वार्टर में, एंड इंटरेस्ट यहाँ पे पहले था 4,722, इस बार 7,617। तो ये इंटरेस्ट जो है ना, इंटरेस्ट की वजह से यहाँ पे हमारा रिजल्ट कुछ खास अच्छा नहीं रहा है। बाकी सारी चीजें सही हैं, बट इंटरेस्ट यहाँ पे ज्यादा आया है, तो उसकी वजह से लास्ट ईयर में हमारा था नेट प्रॉफिट 4,824, इस बार है 3,439। तो ईयर ऑन ईयर अगर देखा जाए तो हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रमोटर्स के पास सेम उतना ही है जो लास्ट क्वार्टर में था, सॉरी बहुत छोटू सा कम हुआ है, वो 0.01% का यहाँ पे कम हुआ है। एंड जो FIIs है, FIIs ने होल्डिंग अपनी बढ़ाई है, DIIs ने अपनी छोटी सी होल्डिंग कम करी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एंड पब्लिक के पास जो है वो होल्डिंग अगेन कम हुई है, क्योंकि यहाँ पे DIIs ने ना अपनी, सॉरी FIIs ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ाई है, एंड DIIs के पास जो कम हुई है वो इतना ज्यादा परसेंटेज नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए चलते हैं इसके चार्ट पे और देखते हैं कि क्या फर्क इसके ऊपर पड़ सकता है। देखिए ये हमारे जो है पुराने टारगेट थे, ये कहीं ना कहीं हम अचीव कर चुके हैं उसको, इसको डिलीट करते हैं। ये वाले टारगेट हम अचीव नहीं किए तो इसको भी एक बार डिलीट कर देते हैं, क्योंकि रिवाइज ऑफ कॉस्ट करना पड़ेगा, अब रिजल्ट आ चुका है। तो आज की सबसे पहले करेंगे हम वॉल्यूम की बात, की हमारा वॉल्यूम कितना आया था। तो वॉल्यूम आज हमारे पास आया है 1 मिलियन के आसपास, भी हमारा वॉल्यूम नहीं आया है। कल जो वॉल्यूम आया था वो आया था
7.405 मिलियन एनएसई पे, काफी अच्छा वॉल्यूम आया था। आज हमारा बहुत कम वॉल्यूम आया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या कैंडल बनने को मिली है। तो यहाँ पे ना अगर हम जूम करके देखें तो कहीं ना कहीं ये हमें छोटा सा इन्वर्टेड हैमर देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे तो बेसिकली ये जो हमें देखने को मिल रहा है इसको इन्वर्टेड हैमर, तो क्या इसको हम शूटिंग स्टार भी बोल सकते हैं। एंड दूसरा, इसको अगर हम जूम ना करें तो ये कहीं ना कहीं हमें ग्रेवस्टोन भी बनता हुआ दिख रहा है, बट ग्रेवस्टोन तो ऑफकोर्स नहीं बोल सकते क्योंकि इसका ओपन एंड क्लोज में थोड़ा सा डिफरेंस ऑफकोर्स है। तो ये कहीं ना कहीं हमें शूटिंग स्टार बनता हुआ दिख रहा है एंड वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा कम आया। तो देखिए वॉल्यूम इतना ज्यादा कम आया एंड कल इसमें स्पाइक अप कर गया था वॉल्यूम, आज वॉल्यूम सॉरी फ्राइडे को बहुत ज्यादा वॉल्यूम आया था एंड अभी आई एम रियली वेरी सॉरी, ये मैं आवर्स पे निकाल के यहाँ पे रीडिंग यहाँ पे एनालिसिस दे रही हूँ डे की, तभी मैं सोचू कि कुछ गड़बड़ है, आई एम सो सॉरी। तो फिर से स्टार्ट करते हैं। देखिए तो आज जो वॉल्यूम आया है, कल जो वॉल्यूम आया था वो आया था 6.13 मिलियन का एंड आज जो वॉल्यूम आया है 12.78 मिलियन का आया है। एंड हमें जंप भी काफी अच्छा देखने को मिला है, 2.84% के आसपास का जंप देखने को मिला है। तो यहाँ पे हमें कोई कैंडल बनती हुई, कोई हमें ग्रेवस्टोन या कोई हमें शूटिंग स्टार नहीं मिल रहा, बेसिकली नॉर्मल कैंडल बनी है एंड काफी अच्छा ये पैटर्न भी बना है। तो देखिए ये हम एक बार ना यहाँ पे करके देख लेते हैं। आर्ट्स पे मैंने इसलिए किया था क्योंकि मुझे देखना था कि कब इसका बड़ा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट जब हुआ था तो नीचे गिरा था थोड़ा सा, उसके बाद बढ़ गया था, उसके बाद हमें जब रिजल्ट आया है उसके बाद हमें यहाँ पे 0.16% का डाउन मूव देखने को मिला है, क्योंकि रिजल्ट ना 2:30 से 3:15 बजे के बीच में आया था एंड उसके बाद हमें ये जरूर देखने को मिला कि छोटा सा हमें डाउन मूव देखने को मिला है। तो देखिए क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो रिजल्ट नो डाउट बहुत अच्छा आया है, बट ईयर ऑन ईयर, अब देखिए मैंने पहले भी बात करी है कि ट्रेडर्स ना तीन तरीके के होते हैं, एक वो होते हैं ट्रेडर्स या इन्वेस्टर जो भी आप बोल लीजिए, तो एक इन्वेस्टर होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं ट्रेडर एंड लॉन्ग टर्म होते हैं स्विंग वाले, तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती है उनमें भी। तो एक होते हैं जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को देखते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्केट कई बार उस तरीके से रिएक्ट करती है। तो रिएक्ट मार्केट कैसे करेगी, क्योंकि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर्स हैं वो उस तरीके से रिएक्ट करते हैं, इसलिए मार्केट उस तरीके से रिएक्ट करेगी, राइट। मार्केट अपने आप तो करेगी नहीं, तो हम ही लोग हैं जो बेसिकली उस चीज को अप या डाउन लेके जाते हैं। तो यहाँ पे कई बार ये होता है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर करती है या तो पब्लिक रिएक्ट या तो ईयर ऑन ईयर रिएक्ट करती है, और तीसरा होता है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी जो हिडन चीजें होती है बैलेंस शीट को रीड करके करती है, ठीक है। तो रीड करके करने वाले मुझे लगता है कि वो इतने ज्यादा संख्या में नहीं है, थोड़ा सा विदाउट उसके जो थोड़ा सा भेड़ चाल और वैसे विदाउट नॉलेज वाले मुझे लगता है कि ज्यादा संख्या है, क्योंकि लोगों को लगता है शेयर मार्केट में पैसे बनते हैं और जैसे विदाउट अगर नॉलेज जाते हैं तो नुकसान भी हो जाता है, फिर कहते हैं कि जुआ है। तो एनीवे जोक्स अपार्ट, जो भी सारी तामझाम है उसको साइड पे रखते हैं अभी के लिए। तो बेसिकली मैंने बोला क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर एंड जो एक होता है जो बिल्कुल नॉलेज लेके करते हैं। तो यहाँ पे अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, बट ईयर ऑन ईयर हमारा लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए हमारा रिजल्ट उतना कुछ खास अच्छा नहीं आया है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए हमारा रिजल्ट मुझे लगता है कि अच्छा आया है। एक बार इसके बीएससी पे चलते हैं, फिर हम एंट्री का देखते हैं कि फ्रेश एंट्री कैसे बनाई जा सकती है। प्राइस बैंड है इसका 10% का एंड ये जो सारी न्यूज आई है तो बेसिकली जो मेजर न्यूज है वो सिर्फ हमारे रिजल्ट की ही न्यूज है, बाकी उतनी कोई मेजर न्यूज नहीं है। तो फिर से इसके चलते हैं इस पे। तो अभी के लिए देखिए मार्केट ना आज भी थोड़ी सी वैसे ही गड़बड़ रही है और इस मंथ में गड़बड़ ही रहेगी थोड़ी सी मार्केट, क्योंकि इलेक्शंस का महीना है। तो यहाँ पे मुझे लगता है देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो रिजल्ट अच्छा आया है, तो ये वाली जो रेजिस्टेंस है जहां से आज रिजेक्शन ली है, आज इसने 225 से रिजेक्शन ली है, मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा ना यहाँ के मंथ के एंड तक अगर मार्केट साथ देती है तो मुझे लगता है कि 250 या 255 के बीच में हो सकता है ये ट्रेड करता हुआ हमें दिखे एंड मंथ के एंड तक, ये जो मई का एंड है। तो बेसिकली मुझे लगता है कि यहां तक ट्रेड करता हुआ देखिए अगर मार्केट साथ देती है तो, अगर मार्केट साथ नहीं देती है तो उस तरीके से हमें ऑफकोर्स इम्प्रोवाइजेशन करनी पड़ेगी। एंड लास्ट में यहाँ पे हमें डाउन जंप जरूर देखने को मिला है लास्ट के 1 आवर में, पर हमें बहुत ज्यादा बहुत ही मिनिमम सा डाउन जंप देखने को मिला है, तो इतनी कोई दिक्कत की बात है मेरे को लग नहीं रही अभी। तो अभी इसको अगर मार्केट साथ देती है और मूव मिलता है और अच्छा वॉल्यूम आ जाता है तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस आएगी सबसे पहले हमारी आएगी 226 पे आएगी, जहां से आज हमें रिजेक्शन मिली है। उसके बाद हमारे पास रेजिस्टेंस ये भी आएगी, इसको एक बार कर लेते हैं मार्क, 232 की भी आएगी एंड उससे पहले हमारे पास रेजिस्टेंस ये वाली भी आएगी। ये बहुत छोटे छोटे रेजिस्टेंस है, ये बहुत
ये जो उससे पहले आएगी उस पर 230 पे रेजिस्टेंस आएगी हमारे पास, उसके बाद हमें ये वाली रेजिस्टेंस भी फेस करनी पड़ेगी, जस्ट अ सेकेंड, 241 के आसपास की रेजिस्टेंस आएगी, एंड बीच में ये वाली भी रेजिस्टेंस आएगी 237 के आसपास, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इसके पास काफी है, बट इसका प्राइस बैंड जो है वो 10% का है, एंड मार्केट ने साथ दिया तो हो सकता है कि ये ऊपर भी चला जाए। तो मुझे लगता है यहाँ पे एंट्री जरूर बनाई जा सकती है, फ्रेश एंट्री जरूर बनाई जा सकती है, पर मैं आपको फिर से बोलूंगी इलेक्शंस का महीना है, बहुत सारे इमोशंस रहेंगे मार्केट में, तो ये जरूर ध्यान रखें कि एक तो यहाँ पे रेंज चेंज भी होने वाला है, तो यहाँ पे 60 के आसपास, 60 जो होता है रेंज चेंज होने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे भी हॉल्ट मिलता है कई बार, तो ये जरूर ध्यान रखें कि लाइव मार्केट में देख के मार्केट बनानी है, कि जो मार्केट है निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, बाकी सारी चीजें हैं, किस डायरेक्शन में इंक्लाइंड है, तो उस जिस तरफ वो इंक्लाइंड रहेगी तो उसको ध्यान में रख के ही एंट्री बनाइएगा। स्टॉप लॉस जरूर लेके चलिएगा, स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि हमारा जो बनता है ये भी एक हमारा रह सकता है, जहां से ये रिवर्सल लेके आया है बेसिकली आज, तो ये भी हमारा हो सकता है, तो अभी के लिए इस पॉइंट पे है, तो ये हो सकता है हमारा रिवर्सल रहे, तो ये वाला हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 205 का। आई नो ये बहुत ज्यादा लंबा स्टॉप लॉस है, तो स्टॉप लॉस बेसिकली आपके एपेटाइट के अकॉर्डिंग रहेगा, मैंने बता दिया एक ये है 214 का बनता है, फिर 209 का बनता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस लेके चलते हैं। बीच में एक और बनता है, इसको भी एक बार मार्क कर लेते हैं, हमारा ये भी बनता है यहाँ पे 217 का भी बनता है, तो स्टॉप लॉस आप अपने एपेटाइट के अकॉर्डिंग लेके चले कि कितना आप उसको झेल सकते हैं नुकसान, ठीक है। तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जाने समझी पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।